बुधवार को बिहार विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही से पूर्व बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और कांग्रेस विधायकों के साथ आंखों में काली पट्टी लगाकर सदन के बाहर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को सदन में विपक्ष के विधायकों पर हुए हमले का विरोध करते हुए कहा कि जिस तरीके से विपक्ष के विधायकों को सदन से बाहर फेंका गया वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। सरकार का विरोध करना उनका संवैधानिक हक है, अगर वे आगे भी ऐसा जो है वो करते रहेंगे, और उन्होंने बिहार विशेष पुलिस सशस्त्र बिल का भी विरोध करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। घटना हुई सदन के अंदर, हम लोग अब आंख दिखाने के लायक भी जन प्रतिनिधि जो है वो नहीं रहे, इसलिए हम लोग ने आंख पर पट्टी बांध लिया है और अपनी मांग को रखने आए हैं। तो जिस तरह से नीतीश कुमार अपने को असहाय महसूस करते हैं सदन और सदन के बाहर, और अपने डिप्रेशन में उन्होंने जिस तरह विधायक को घसीट घसीट के पिटवाया, यह हम समझते हैं देश के इतिहास में पहली घटना थी। इसलिए मुख्यमंत्री निश्चित रूप से विधायकों से माफी मांगना चाहिए और सारे विधायक चाहे वो किसी दल। बिहार विधानसभा में मंगलवार को हुए हाई वोल्टेज ड्रामे पर राजनीति अब पड़ोसी राज्यों में भी शुरू हो गई है। घटना के विरोध में झारखंड आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को झारखंड आरजेडी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला फूंका गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। खंड में ही ऐसे देखने को मिला कि मुख्यमंत्री के काफिले पर जिस तरह कायराना हरकत किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता का कोई बात नहीं सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही लोकतंत्र का अपहरण करते आई है। जैसे मध्य प्रदेश का घटना देख लीजिए, आपका कर्नाटक का पुलिस विधेयक को लेकर जारी हंगामे के बीच जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बयान दिया है। नीरज कुमार ने विपक्ष को विधेयक पढ़ने की सलाह देते हुए कहा कि तेजस्वी बताएं कि उन्हें बिल में शामिल कौन सी सीआरपीसी धारा से दिक्कत है। सवाल है कि सशस्त्र पुलिस विधेयक से आपत्ति किस बात की, उसी के चलते परिस्थिति पैदा हुई ना। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सीआरपीसी के किस धारा का, जो देश की जनता का मौलिक अधिकार है, उसका कहां उल्लंघन हो रहा है। और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि माननीय तेजस्वी यादव जी ने कल विपक्ष के नेता के रूप में आप साथियों से बात करते हुए कहा कि पुलिस को जब अधिकार है तो क्यों ये बिल लाने की क्या जरूरत है। यही सवाल था ना कि किसी को आप सीआरपीसी का हवाला दे रहे थे, मैं उनसे ही। वहीं अब इस मामले पर पूर्व सीएम और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने इसे विपक्ष की सोची समझी साजिश करार दिया है। बुधवार को ट्वीट कर मांझी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को बंधक बनाने की कोशिश की, ये सरासर गलत है, ये सदन के मर्यादा के भी खिलाफ है। जेडीयू विधायक महेश्वर हजारी बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष चुने गए। बुधवार को हुए मतदान में महेश्वर हजारी के पक्ष में 124 वोट आए, वहीं विपक्ष इस दौरान अनुपस्थित रहा। विधानसभा के नए उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके कार्य की सराहना की, साथ ही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। वहीं महेश्वर हजारी ने सभी का धन्यवाद किया। सदन के सभी माननीय सदस्यों का सम्मान करते हुए जब भी अध्यक्ष महोदय आपको इस आसन पर काम करने का जब मौका मिलेगा तो उस समय जरूर बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। हर चीज का और एक पुराना अनुभव है, हर चीज को जानते हैं। एक एमएलए के रूप में, एक मिनिस्टर के रूप में काम किया है, इसलिए किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। और सब लोगों ने अपनी इच्छा आपके पक्ष में प्रकट की है, ये सब लोग बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैं सब लोगों को धन्यवाद देते हुए और पुनः भाई महेश्वर हजारी जी को विशेष तौर पर मैं उनका अभिनंदन करता हूं, और एक महत्वपूर्ण पद का वो संचालन करेंगे, इसके लिए मैं उनको विशेष तौर पर बधाई देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए, इसके लिए मैं आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं एवं श्री महेश्वर हजारी जी को बधाई देता हूं और बधाई देता हूं इस सदन के तमाम सदस्यों को,
जिन्होंने श्री महेश्वर हजारी ऐसे जो संसदीय कार्य में जिनकी लगातार रुचि रही है और चौथी बार बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अपने सदन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके कार्यकाल में बहुत सारी चीजों सीखने का मिला और इनके आशीर्वाद से सांसद भी बनने का मौका मिला, विधायक भी बनने का मौका मिला और मंत्री भी बनने का मौका मिला, और जिस तरह से इनके कार्य करने की शैली है उससे बहुत सी। रामनवमी और सरहुल जुलूस पर रोक को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फरमान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीएम ने यह तुगलकी फरमान जारी कर हिंदुओं के भावनाओं को आहत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण अगर उन्हें आम लोगों की फिक्र है तो अपने विधानसभा चुनाव प्रचार को भी तत्काल रोक दें। धार्मिक परंपरा और हमारी संस्कृति पर लगातार राज्य की सरकार हमले कर रही है। बढ़ते हुए महामारी के कारण सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और इसको निकालने की अनुमति दे, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि हमारी परंपरा और हमारी धार्मिक भावना पर वो आघात करने का काम न करें मुख्यमंत्री जी। और मुझे विश्वास है कि जो आपने निर्णय लिया है वो निर्णय अपने ऊपर भी आप लागू करेंगे मधुपुर के। बिहार विधानमंडल की कार्यवाही के अंतिम दिन सत्ता पक्ष के महिला विधायकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। महिला विधायकों ने बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को भी गुलाल लगाया। इस मौके पर परिवहन मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि विपक्ष भी सरकार का एक अंग है और उन्हें दुख है कि होली मिलन के वक्त विपक्ष साथ नहीं रहा।